हाय दोस्तों, अपना गांव ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। अभी हम लोग जाने के लिए तैयार हुए हैं नैनी मंदिर। कहाँ पे है? छपरा के आसपास में पड़ता है, सैतालपुर टेक्नोमास से। अभी हम लोग निकलेंगे अपने बाइक से। बाइक हमारी है और ये विकास भैया हेलमेट वेलमेट बैग को लेके रेडी हो रहे हैं, और राजा भैया तो पहले से ही रेडी है और हम कैमरा धरे हुए हैं। अभी हम यहाँ से अपने गांव से अभी द्वार पे हैं, पार्टनर के घर पे हैं। 60 किलोमीटर बताता है, देखिए। हाँ, यहाँ से पकड़ी बाजार होते हुए, बगौड़ा से होते हुए हम लोग मेन रोड पकड़ेंगे। मेन रोड से आपको दिखाएंगे हम लोग रास्ते में, दाऊदपुर होते हुए, एकमा होते हुए हम लोग निकलेंगे। अभी बाइक हम लोग रेडी है तो बना रही वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर कैसा है, कैसा नहीं है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। ये हमारे गाँव के बगल का डीबी गाँव है, हाई स्कूल इसका नाम है, BDPYU हाई स्कूल। इसी में हम लोग पढ़े भी हैं। अब यहाँ से होते हुए हम लोग पकड़ी बाजार के रास्ते निकलेंगे आगे। आप देखते रहिए वीडियो। अब देखिए, यहाँ से पकड़ी बाजार थोड़ा गुजर गए। ये शुरुआत में महावीर जी का मंदिर है, यहाँ से आप लोग होकर गुजरते हैं हम लोग। ये हम लोग का बाज़ार है पकड़ी, यहाँ पे हम लोग हमेशा जो भी सामान घटता है यहाँ से आके लेते हैं। पकड़ी बाजार से निकल चुके हैं हम लोग। अब रास्ते में यहाँ पर अब बहुत सारे गाँव पड़ता है। ये अभी पंचवर गाँव हम लोग हेल रहे हैं। अब इधर से बगौड़ा होते हुए निकलेंगे। देखिए, बगौड़ा में आ गए हैं, बगौड़ा हेल रहे हैं। अब बगौड़ा से ये होते हुए लीलाशाह का पोखरा जाएंगे। लीलाशाह का पोखरा तो बीच में छूट जाएगा। इधर से देखिए, अब आ गए हम लोग पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल लेना है, गाड़ी में ले लेंगे कि रास्ते में अगर दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। राजा भैया पैसा दे रहे हैं, 500 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या बात है। राजा भैया पैसा उठाए हैं ATM से। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तेल का टेंशन खत्म हो गया। ये लोग थाना के डर से पैदल आ रहे हैं कि गाड़ी पकड़ ना जाए, इसके वजह से पैदल पैदल आ रहे हैं। हमको भेज दिए आगे आगे कि आगे आगे तुम जाओ गाड़ी लेके, जो होगा देखा जाएगा। ये रसूलपुर का टोल गेट है, यहाँ से हम लोग अब गुजर रहे हैं। आगे रसूलपुर पड़ेगा, ये रसूलपुर का मंदिर है और ये बाजार रहा रसूलपुर का। यहाँ से तो हम लोग निकलेंगे अभी। अब रसूलपुर से एकमा जाएंगे, एकमा से समोसा के दुकान पर आ रहे हैं, समोसा खा रहे हैं कोपा से निकल गए हम लोग समोसा खाकर। और ये कोपा से बाहर का नज़ारा है, राजा भैया का मौसी के घर आएगा। ये राजा भैया के मौसी के गांव का मंदिर है। अरे मर्द, तो तू अपने मोबाइल से बोल के लोग कहाँ बनिए थे हमारे किनार मर जाओ मोबाइल देखा, 3 बोतल पानी चढ़ो तब ले कहीं मोबाइल की नहीं। तब लोग मजाक रहता, तू हमारे मोबाइल से बार बार फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये मंदिर का सामने का देखिए ये नज़ारा है। अभी शायद भीड़ अभी कम है, ये पूरा मनिहारी का दुकान सब खुला है। ये मंदिर का सामने का सीन है, ये सामने मंदिर दिख रहा है, नैनी मंदिर छपरा का। ये देखिए, अभी हम हल्को हल्को कदमों से जा रहे हैं मंदिर के पास। ये मंदिर का कुछ लुक दिखा रहे हैं आपको, देखिए सामने। यहाँ से आप पीछे जो दिखाई दिया, यहाँ पे आप लोग अपना सामान पूजा पाठ का खरीद सकते हैं। ये थोड़ा नीचे से ऊपर व्यू की तरफ दिखा रहे हैं हम। धूप इधर के साइड से आ गया, इसलिए थोड़ा नज़ारा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बट आप लोग यहाँ पर आइएगा तो बहुत ही मतलब देखने लायक ये मंदिर है। आइए अभी, को भी मौका मिलता है तो कभी। देखिए अंदर हम आ रहे हैं मंदिर के, ये रहे। और यहाँ पे देखिए पाया कितना मतलब रंगीन। अभी शायद डंगाई का काम भी हो रहा है। ये देखिए गणपति बाबा मौर्या, गणेश जी का आगमन हो गया शुरुआत में। अब इधर से हम लोग थोड़ा गुजरेंगे, गणेश जी का दर्शन कर ले बढ़िया से। दर्शन करके यहाँ से गुजरेंगे। ये देखिए, आप लोग भी अगर गणेश जी को मानते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। ये देखिए अंदर आ गए हम लोग, कृष्ण जी के और राधा जी का मूर्ति है। यहाँ पे देखिए, ये मंदिर का अंदर का सब मूर्ति है। आप यहाँ आएंगे तो आप लोग को खुद देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा इधर से अब दूसरा मंदिर में चल कर दिखाते हैं आपको हम। देखिए, ये नंदी महाराज हैं जो सामने बैठे हैं, और ये हमारे देखिए मंदिर, कितना अद्भुत मंदिर है ये। आप लोग भी आइए और घूम के जाइए। बट आप लोग आइए तो मैप के सहारे मत आइए। आप अगर आ जाते हैं कोपा ओपा तो वहाँ से आप पूछ के आइए,
वो मैप बहुत ज़्यादा रास्ता घुमा दे रहा है। जय हो बजरंग बली, बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो बता रहे थे कि आप आइए, तो अगर कोंपा आ जा रहे हैं तो वहाँ से पूछ के आइए, क्योंकि नेट हम लोग को बहुत ज़्यादा घुमा दिया रास्ता। यहीं पाने के लिए 5-6 किलोमीटर हम लोग घूमते हुए मंदिर के अगल बगल से ही और घूम रहे थे। पूछे तब हम लोग को पता चला कि वो मंदिर तो यहीं पे है। अब थोड़ा बाहर से जाकर मंदिर के अंदर देखिए, बाहर से ये आए हैं हम लोग बजरंग बली के मंदिर के ऊपर। यहाँ से ये नज़ारा दिखा रहे हैं मंदिर का, देखिए। अब ये कुछ नज़ारा देखिए उधर साइड से मंदिर को, कुछ हम दिखा रहे हैं हम, देखिए सब यहाँ पे मूर्तियाँ भी बिका रहा है, आप खरीद के लेके जा सकते हैं घर अपने। देखिए भाई साहब अभी बेच रहे हैं, और देखिए जो मंदिर के है उन जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन सब का फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर वो फ़ोटो खींचने वाले भी घूम रहे हैं। और देखिए हम बजरंग बली के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये बजरंग बली जी हैं, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब देखिए यहाँ से हम लोग बजरंग बली जी का दर्शन कर लिए, अब ऊपर चलेंगे तो राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन होगा। अब ये सीढ़ी के रास्ते से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऊपर चल कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम ऊपर आ गए, यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, शादी वादी हुआ है तो लोग यहाँ पे आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। ये देखिए मंदिर का नज़ारा कुछ अलग। और देखिए जय सीताराम, सीताराम की जय, हनुमान। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।